क्या हम अपने डीएनए में बदलाव कर सकते हैं? जानने के लिए देखिए ये रिसर्च। January 1, 2001, इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट मैथ, एक ऐसी अद्भुत रिसर्च जिसने सारे मनोवैज्ञानिकों को चौंका कर रख दिया। इस रिसर्च ने बताया कि कैसे हमारे इमोशंस का हमारे डीएनए पर काफी ज्यादा प्रभाव पड़ता है। ये रिसर्च हमें बताती है कि कैसे कुछ आसान सी बातों का ख्याल रखकर हम अपना इम्यून सिस्टम और भी स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं। डीएनए, जिसे विज्ञान में डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड कहा जाता है, यह हमारी बॉडी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोड है। जैसे कि एक बुक में वर्ड्स होते हैं, वैसे ही डीएनए में हमारे ट्रेट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे होते हैं। ये ट्रेट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स हमें हमारे पूर्वजों से मिले होते हैं और यही हमारी यूनिकनेस का सोर्स भी होते हैं। तो बेसिकली डीएनए हमारी बॉडी का जेनेटिक इंस्ट्रक्शन मैनुअल है। कुछ साल पहले साइंटिस्ट ने एक रिसर्च करने के लिए एक ह्यूमन प्लेसेंटा डीएनए को एक कंटेनर में रखा। कंटेनर ऐसा था कि जिसमें डीएनए में होने वाले चेंजेस को मापा जा सकता था। उसके बाद इन कंटेनर्स को, जिसमें कि ये डीएनए था, इनको 28 ट्रेंड रिसर्चर्स में हर एक को एक एक कंटेनर दिया गया। ये जो 28 ट्रेंड रिसर्चर्स थे, इनमें से हर शोधकर्ता को ये सिखाया गया था कि कैसे स्पेसिफिक इमोशंस उत्पन्न किए जाएं और उन इमोशंस को कैसे फील करना है। हर शोधकर्ता में बहुत ही स्ट्रॉन्ग इमोशंस थे। शोध में पाया गया कि डीएनए ने शोधकर्ताओं के इमोशंस के अनुसार अपना शेप चेंज कर दिया। जब जब शोधकर्ताओं ने ग्रैटिट्यूड, लव और एप्रिसिएशन वाली इमोशंस को प्रैक्टिस करके फील किया, तब तब डीएनए के स्ट्रैंड्स रिलैक्स और अनवाउंड हुए और इसी के साथ साथ डीएनए की लंबाई भी बढ़ गई। इसी के विपरीत, जब शोधकर्ताओं द्वारा गुस्सा, डर, स्ट्रेस और फ्रस्ट्रेशंस जैसे इमोशंस को प्रैक्टिस करके फील किया, तब तब डीएनए के स्ट्रैंड्स सुकड़ गए और उनकी लंबाई भी छोटी होने लगी। इस टाइप की इमोशंस की वजह से बहुत से डीएनए कोड्स भी स्विच ऑफ हो गए। सबसे आश्चर्यचकित परिणाम तब सामने आए जब शोधकर्ताओं ने लव, जॉय, ग्रैटिट्यूड और एप्रिसिएशन की फीलिंग्स को दोबारा प्रैक्टिस करा, तो वो डीएनए कोड्स जो स्विच ऑफ हो गए थे, वो रिवर्स होकर फिर से एक्टिवेट या सक्रिय हो गए। इस प्रयोग में उन्होंने पाया कि लव, ग्रैटिट्यूड और एप्रिसिएशन जैसे इमोशंस से इंसान की 3 लाख गुना प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। तो अब हमें वो उत्तर मिल चुका है जो आपको स्वस्थ रखने में मदद कर सकता है, चाहे कोई भी भयानक वायरस या बैक्टीरिया हो। इसलिए अपने इमोशंस के प्रति जागरूक रहें। सो स्टे इन फीलिंग्स ऑफ जॉय, लव, ग्रैटिट्यूड एंड एप्रिसिएशन। ये भावनात्मक परिवर्तन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स के प्रभाव से भी आगे निकल गए। जो व्यक्ति गहरे प्रेम में ट्रेंड थे, वो लोग अपने डीएनए का आकार बदलने में सक्षम थे। ग्रेग वेडन का कहना है कि ये एनर्जी एक नई मान्यता के रूप को दर्शाता है जो इस पूरी सृष्टि को जोड़ता है। ये ऊर्जा इस सृष्टि के सारे तत्वों को एक जाल के रूप में आपस में एक साथ जोड़े रहता है और हम अपनी वाइब्रेशंस के माध्यम से सृष्टि के इस जाल को प्रभावित करने में सक्षम है। अपनी भावनाओं को चुनकर हम अपनी रियलिटी का निर्माण करते हैं। हमारे इमोशंस सृष्टि के समस्त तत्वों के माध्यम से समय रेखा को सक्रिय कर रही हैं, जो ब्रह्मांड की सारी एनर्जी और मैटर को जोड़ती है। याद रखें कि ब्रह्मांड का नियम है कि हम जिस चीज पर फोकस करते हैं, हम उसे ही आकर्षित करते हैं। यदि हमारा सारा फोकस किसी स्थिति से डरने पर है, तो हम ब्रह्मांड को एक मजबूत संदेश भेज रहे हैं कि आप जिस चीज से भी डरते हैं, वो आपको भेजे। इसके बजाय यदि आप अपना सारा ध्यान जॉय, लव और ग्रेटिट्यूड जैसी फीलिंग्स पर केंद्रित करते हैं, तो आप ऑटोमेटिकली
नकारात्मक चीजों से बच पाएंगे। आप इन पॉजिटिव इमोशंस में रहकर फ्लू, वायरस, बैक्टीरिया या अन्य किसी भी स्वास्थ्य समस्याओं से बच सकते हैं, जिससे कि आप एक बहुत ही मजबूत इम्यून सिस्टम डेवलप कर पाएंगे। इस तरह से आप किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अंत में मैं बस इतना ही कहूंगा कि हर दिन और यदि संभव हो तो हर घंटे, पल पल, भले ही कुछ मिनटों के लिए खुश और ग्रेटफुल होने के लिए कुछ ढूंढें। दिस इज द इजीएस्ट एंड द बेस्ट प्रोटेक्शन यू कैन हैव। आशा करता हूं कि आपको ये जानकारी बहुत पसंद आई होगी। इसको अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और देखते रहें हमारा चैनल ब्रेन ग्रो। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।